हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस में चैप्टर नंबर 10, दैट इज़ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ क्लास, ऑब्जेक्ट्स एटसेट्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, इसके बारे में पूरे डिटेल की बातें। अब जैसे यहाँ पर सबसे पहला वर्ड आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है, तो एक ऐसी प्रोग्रामिंग जिसमें कि हम ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं, उन्हें हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OBJECTs। ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करेंगे आप जिसमें, उसे आप, उस प्रोग्रामिंग को आप क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे डिफाइन किया गया है इसको, कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, राइटिंग, टेस्टिंग और डिबगिंग। मतलब इसमें क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि डिज़ाइन किया जाता है किसी चीज़ को, राइट किया जाता है मतलब कोड को टेस्ट किया जाता है, उन्हें वेरीफाई किया जाता है, डिबग यानी कि उसके एरर्स वगैरह निकाले जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मेंटेनिंग द सोर्स कोड, सोर्स कोड मतलब जो आपने मेन बेसिक कोड बनाया है जिससे कि चीज़ों को रन किया जाता है, उसे मेंटेन किया जाता है, एज वेल एज रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू सॉल्व अ रियल लाइफ प्रॉब्लम। और इन सभी का मोटिव एक ही होता है, रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, उन्हें सॉल्व करना। अब ये जो प्रोग्रामिंग होती है ना, इन्हें दो टाइप से क्लासीफाई किया गया है, मतलब दो टाइप की प्रोग्रामिंग होती है, दो अप्रोच की होती है, दो मेथोडोलॉजीज़ की होती है, आप ऐसा वेरीफाई कर सकते हो। नंबर वन होता है आपका प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, नंबर वन क्या है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, और नंबर टू है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो अब हम देखेंगे अभी कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए फर्स्ट वाला जो है आपका प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, इस अप्रोच में क्या होता है, इन दिस अप्रोच अ प्रोग्रामिंग टास्क इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर एंड इजिली मैनेजेबल मॉड्यूल्स और प्रोसीजर्स। मतलब इसमें क्या होता है, एक बड़ा सा प्रोग्राम है सपोज कीजिए, तो उसको हमने छोटे छोटे पीसेस में ब्रोकन डाउन कर लिया, तोड़ लिया, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। द स्ट्रेस इज गिवन टू फंक्शनैलिटीज, इसमें क्या होता है कि मेन फोकस फंक्शनैलिटीज़ पर दिया जाता है रदर देन डेटा, मतलब वो प्रोसेस काम क्या करेगी इस बात पर फोकस किया जाता है, डेटा पर फोकस नहीं किया जाता। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक बेसिक लैंग्वेज का फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और ऐसे ही आपका कोबोल है, पास्कल है, सी लैंग्वेज है, ये सारी चीज़ें आपकी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, या जैसा कि आपको स्क्रीन पर ये दिख रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि प्रोग्रामिंग टास्क को ऑब्जेक्ट्स में, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में डिवाइड किया जाता है। अब आपके मन में सवाल ये आएगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए ऑब्जेक्ट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मैथड्स, हर वो चीज़ जिसकी प्रॉपर्टी होती है और जिसके मैथड्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ क्या, प्रॉपर्टीज़ मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स या उसका बिहेवियर, ठीक है, और मैथड्स मतलब होता है उसकी फंक्शनैलिटीज़, जो वो टास्क परफॉर्म करते हैं, मतलब हर वो चीज़ जिसकी प्रॉपर्टी होगी और मेथड्स होंगे, वो सब क्या कहलाएंगे आपके, ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल से समझते हैं, ये एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था कि सपोज एक फ़ैन के जो तीन ब्लेड्स हैं, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एक फ़ैन में तीन ब्लेड्स होते हैं, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक यानी प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन इसके मेथड की बात करें, इसके फंक्शंस की बात करें, तो इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इनके फंक्शंस होते हैं हवा देना, इसलिए ये एक ऑब्जेक्ट है। इसी टाइप से ये तो एक कॉमन, एक डे टू डे लाइफ का एग्जांपल दिया मैंने, प्रोग्रामिंग ऐसा नहीं होता, प्रोग्रामिंग में मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट इसको इस टाइप से आप समझ सकते हैं। तो मतलब हर एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के रूप में डेटा को तोड़ दिया जाता है, मतलब डेटा को डिवाइड कर दिया जाता है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, और इसका मेन फोकस डेटा पर होता है। आपने प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या देखा था, इसका जो मेन फोकस ये फंक्शनैलिटीज़ पे होता है, डेटा पर नहीं होता। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसका मेन फोकस किस पर होता है, डेटा पर होता है, फंक्शनैलिटीज़ पर नहीं होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल हैं C++, जावा, अदर मॉडर्न लैंग्वेज जो हैं, या इसके अलावा और भी अदर मॉडर्न लैंग्वेज जो हैं, वो इस मेथोडोलॉजी को परफॉर्म करते हैं। अब हम बात करते हैं कि OOP, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स क्या क्या हैं। तो देखिए ये कुछ फीचर्स दे रखे हैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, तो देखते हैं, डिस्कस करते हैं इसे। इट एम्फेसिस ऑन डेटा रेदर देन प्रोसीजर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अभी हमने यहाँ पर देखा था कि ये डेटा पर फोकस करता है, फंक्शंस पर नहीं, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई आपकी। सेकंड, इट इज़ डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स, इसमें टास्क को, छोटे छोटे टास्क को जो है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डिवाइड किया जाता है, टुकड़ों में बांटा जाता है, ये इसका दूसरा फीचर है।
थर्ड फीचर की बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर्स आर डिजाइंड सच दैट दे आर कैरेक्टराइज द ऑब्जेक्ट। डेटा स्ट्रक्चर को कुछ इस टाइप से डिजाइन किया जाता है जिससे कि ऑब्जेक्ट को कैरेक्टराइज किया जा सके, मतलब ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज को शो किया जा सके, इस टाइप से इसे बनाया जाता है। और नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ फंक्शन है, फोर्थ कैरेक्टराइस्टिक्स है, दैट इज फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन द डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर टाइड टुगेदर इन अ डेटा स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के डेटा को एक कंबाइंड फॉर्म में रखा जाता है, एक दूसरे से इंटीग्रेट करके रखा जाता है, जोड़ कर रखा जाता है, जिससे उनकी फंक्शनैलिटी पर एक प्रॉपर इफेक्ट जाता है और वो चीज़ें आपस में जुड़ी हुई होती है। लास्ट जो इसका फीचर है, दैट इज डेटा इज हिडन सो दैट कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय एक्सटर्नल फंक्शन। डेटा इस टाइप से हाइड होता है, डेटा इस टाइप से हिडन होता है कि कोई भी एक्सटर्नल फंक्शन उसे एक्सेस नहीं कर सकता, वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। ठीक है, ये ओवरऑल जो फीचर्स थे, ये सारे फीचर्स थे आपके किसके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। ये हमारे फीचर्स किसके थे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है इसमें आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, कुछ डाउट नहीं हुआ होगा। बट फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपके उस डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स, क्या क्या सिद्धांत होते हैं इनके, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जिन्हें हमें फॉलो करना होते हैं इन ऑर्डर टू वर्क अंडर इट, मतलब उसमें काम करने के लिए। तो देखते हैं, जैसे फर्स्ट जो इनका फीचर होता है, दैट इज डेटा इनकैप्सुलेशन। अब ये डेटा इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इन डेटा इनकैप्सुलेशन डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स आर पुट वन बाय वन ऑन वन यूनिट और क्लास रैपिंग। डेटा इनकैप्सुलेशन कीप्स बाय कंबाइनिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ क्लास एंड मेथड्स, डेटा इनकैप्सुलेशन आर ऑल्सो कॉल्ड डेटा हेडिंग। अब इसमें आप इस बात को समझिएगा कि सिंपल लैंग्वेज में, आपको आपकी बेसिक लैंग्वेज में समझाता हूँ कि डेटा इनकैप्सुलेशन मतलब डेटा को नॉर्मली कवर कर लेना, डेटा को पूरा रैप कर देना, मतलब कलर कर देना। जैसे क्या है, कोई एक पर्टिकुलर डेटा है उसको आपने पूरा कलर कर दिया, वो कवर कर दिया, सॉरी कलर नहीं कवर कर दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेटा इनकैप्सुलेशन कहेंगे। अब इसमें क्या होता है, किसी भी एक डेटा को सेंड करने से पहले पूरा एक कवर्ड कर दिया जाता है किसी पार्ट्स में, ठीक है। मतलब इस डेटा इनकैप्सुलेशन में सेंडर का एड्रेस भी होता है, रिसीवर का एड्रेस भी होता है, मेन एक्चुअल डेटा भी होता है जिसे सेंड करना होता है। इस पूरे पैकेट को जो फॉर्म करते हैं, उस पैकेट का के फॉर्मुलेशन को कहते हैं डेटा इनकैप्सुलेशन, मतलब इसमें डेटा को कवर कर दिया जाता है। और इसी डेटा इनकैप्सुलेशन के बारे में कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है कि डेटा इनकैप्सुलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, तो डेटा इनकैप्सुलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डेटा हाइडिंग। डेटा इनकैप्सुलेशन को एक और क्या कहते हैं, डेटा हाइडिंग कहते हैं। नेक्स्ट फिर इसमें हमारा टर्म है, दैट इज इनहेरिटेंस। अब ये इनहेरिटेंस क्या होता है, देखिए, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास। ठीक है, मतलब इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि एक क्लास जो है दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेता है या इनहेरिट कर लेता है। ये जो है जनरली हमारे हायरार्किकल क्लासिफिकेशन में यूज होता है इसका। ठीक है, तो इस इनहेरिटेंस जो एक पूरा अपने आप में टॉपिक है, अभी हम इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे वो हमारा इनहेरिटेंस ही है। इनहेरिटेंस को हम पूरा डिटेल में विद क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए, पॉली वर्ड का मीन्स होता है मैनी और ऑर्फिज्म वर्ड का मीन्स होता है यूजर्स। अब यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि पॉलीमॉर्फिज्म इज अनदर डबल ओपी कॉन्सेप्ट, दैट इज ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। अब इसमें क्या होता है कि पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स द एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो एक से ज़्यादा फॉर्म में यूज़ हो सकती है। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ये एक प्लस का सिंबल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अब ये प्लस सिंबल क्या करता है कि आपके दो नंबर्स को एडिशन करने के लिए भी यूज़फुल हो जाता है और कई बार प्रोग्रामिंग में दो कैरेक्टर्स को भी ऐड करने का काम करता है। तो ये जो ओवरऑल ये एक से ज़्यादा एक्शंस परफॉर्म कर रहा है ना, इस प्रॉपर्टी को आप कह सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एग्जाम्पल से देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा है मैंने। एग्जाम्पल क्या है, एन ऑपरेशन में एग्जिबिट डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट इंसेस्टर्स। मतलब एक जो पर्टिकुलर ऑपरेशन है वो अलग अलग वे में अलग अलग चीज़ों को शो कर सकता है। जैसे हमने ये प्लस वाला एग्जाम्पल से समझा ना, ये नंबर्स को भी ऐड करता है एज वेल एज ये कैरेक्टर को भी ऐड करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, दैट इज डायनेमिक बाइंडिंग। डायनेमिक बाइंडिंग इज वन ऑफ द पावरफुल फीचर ऑफ सी प्लस प्लस। ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज का एक बहुत ही पावरफुल फीचर है। इन डायनेमिक बाइंडिंग द सिलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट फंक्शन इज डन डायनेमिकली एट रन टाइम। इसमें क्या होता है यूजुअली कि इसमें
अप्रोप्रिएट फंक्शन, जिस फंक्शन पे आपको काम करना है उसे एट द रन टाइम, मतलब जब वो एग्जीक्यूट हो रहा है, जब वो रन हो रहा है उस टाइम सेलेक्ट किया जाता है, इस फीचर को कहा जाता है डायनेमिक बाइंडिंग। नेक्स्ट हमारा जो फीचर है दैट इज मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग फीचर में क्या होता है, देखिएगा कि एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन मच इन द सेम वे एज पीपल पासिंग मैसेजेस टू ईच अदर। दैट मीन्स कि जैसे हम डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में एक मैसेज दूसरे व्यक्ति को ट्रांसमिट करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी मैसेज पासिंग में आ जाती है। ठीक है, मतलब इसमें एक पर्सन या एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को या एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई एक मैसेज ट्रांसमिट करते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मैसेज पासिंग कहते हैं। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको पूरा क्लियर हुआ होगा, और फिर भी कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बताएं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारा यहाँ पर टॉपिक है दैट इज मेथड्स। अब ये मेथड क्या है, देखिए अब मेथड और फंक्शन इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट। ये जो है एक सीक्वेंस होता है किसी स्टेटमेंट का विच इज रिटन टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब इन द एप्लीकेशन, जो किसी एप्लीकेशन में एक स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए ही क्रिएट किया जाता है। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथड रिप्रेजेंट बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब मेथड किसी भी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को शो करता है, एग्जिबिट करता है। दैट मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म करेगा ये डिफाइन करता है हमारा मेथड। अब मेथड के कुछ एडवांटेज भी होते हैं, जैसे पहला एडवांटेज है टू कोप अप विद कॉम्प्लेक्सिटी। एक बार आपने किसी प्रोग्राम को बना लिया तो यूजुअली जो है आप उसके बाद में उसमें ही सॉर्ट आउट करके उसे प्रॉपर बार बार यूज कर सकते हैं, मतलब ये कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करता है। आप सिंपली एक बार आपने डेटा क्रिएट किया और उसको आप अपने तरीके से हर बार यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐसे कह सकते हो कि रीयूजिबिलिटी ऑफ कोड भी इसका एक एडवांटेज है, मतलब एक बार आपने जो उसके लिए कोडिंग कर ली ना, उस कोडिंग को आपको बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप उस फंक्शन को कॉल कीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए और दूसरी जगह यूज कर लीजिए। इस टाइप के आपको फीचर अवेलेबल होते हैं मेथड में, और स्पेशली ये फीचर्स आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ही देखने मिलेंगे, हर जगह ये फीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनहेरिटेंस। जैसा कि हमने अभी देखा था कि इनहेरिटेंस हमारा एक टॉपिक आएगा, हमने ऊपर डिस्कस किया था इनहेरिटेंस। मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है कि हम एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को दूसरे ऑब्जेक्ट में इनहेरिट कर लेते हैं या एक्वायर कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस के कुछ ये पाँच टाइप होते हैं। ठीक है, ये पाँच टाइप को हमें समझना है क्योंकि ये एग्जाम में बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। तो अब इसको समझते हैं बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन में। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, एक ऐसा इनहेरिटेंस, देखिए इसको डिफाइन किया गया है कि व्हेन अ सब क्लास इनहेरिट्स ओनली वन बेस क्लास फ्रॉम ओनली वन बेस क्लास। मतलब क्या होता है, बेस क्लास क्या होता है, सब क्लास क्या होता है, पहले मैं आपको ये बताता हूं फिर इस डेफिनेशन को समझाऊंगा मैं। बेस क्लास वो होता है जिस क्लास से किसी दूसरे क्लास को एक्वायर किया जाए, उसे हम कहते हैं बेस क्लास। और सब क्लास वो होता है जिसे किसी दूसरे से एक्वायर किया जाए, मतलब डिफरेंस समझिएगा। जैसे कि ये एक बेस क्लास है और ये एक सब क्लास है, तो इस क्लास से इसे एक्वायर किया तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, बेस क्लास हो जाएगा बिफोर बेस क्लास। और इसको एक्वायर किया गया है तो इसे क्या कहेंगे, सब क्लास कहेंगे। बेसिक डिफरेंस क्लियर हुआ आपको, ये वाला क्या है, बेस क्लास है, और ये वाला क्या है, सब क्लास है। अब यहां पे ध्यान से समझिए कि अगर एक क्लास में से, मान लीजिए ये एक बेस क्लास है, ये एक सब क्लास है, या फिर ये एक बेस क्लास है, ये एक ये बेस क्लास, इसको कह देते हैं आप ये बेस क्लास है, ये सब क्लास है, इस क्लास को इससे एक्वायर किया गया है तो उसे हम कहेंगे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, क्योंकि इसमें एक क्लास को एक ही क्लास से इनहेरिट या एक्वायर किया गया है, तो इस क्लास को हम क्या कहेंगे, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब देखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। व्हेन अ सब क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम सब क्लास ऑफ अनदर बेस क्लास, मतलब क्या है, ये एक बेस क्लास है, इस बेस क्लास से हमने एक सब क्लास को डिराइव किया, फिर इस बेस क्लास से हमने एक और सब क्लास को डिराइव कर लिया, तो ये जो सब क्लास है, मतलब ये एक बेस क्लास था, इसका ये बना हुआ सब क्लास, इसका ये बना हुआ सब क्लास, तो ये जो सब क्लास है ये इस बेस क्लास का सब क्लास है। इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम क्या कहते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। देखिए यहाँ पर दो बार दो लेवल पर अलग अलग इनहेरिटेंस हो रहा है ना, इससे इसने डिराइव किया और इससे इसने डिराइव किया, इसे हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको, पर फिर भी अगर कन्फ्यूजन आ जाए तो आप बेझिझक मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब ये मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, व्हेन अ सब क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लासेस। देखिए दोनों में डिफरेंस है, मल्टी लेवल और मल्टीपल में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, मल्टी लेवल में एक बेस क्लास से दूसरे सब क्लास को डिराइव किया और उस सब क्लास से दूसरे सब क्लास को डिराइव किया, लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, दो बेस क्लास थे और दो बेस क्लास से मिला करके एक सब क्लास को हमने डिराइव किया, इसे हम कहेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही है आपको।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है, ध्यान से पढ़िएगा इसे। हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहता है व्हेन अ मल्टीपल सब क्लासेस आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंगल बेस क्लास। मतलब बहुत सारे जो आपके सब क्लासेस हैं उनको आपने एक बेस क्लास से डिराइव किया तो उसे हम कहेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस। मतलब अभी जो आपने मल्टीपल इनहेरिटेंस देखा ना उसका जस्ट अपोजिट है ये। उसमें क्या था कि बहुत सारे बेस क्लास से आपने एक सब क्लास को बनाया था, यहाँ पे क्या हो रहा था आपके कि एक सब क्लास से बहुत सारे बेस क्लासेस बनेंगे। इस चीज़ को आप क्या कहेंगे, इस चीज़ को आप कहेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, लास्ट जो हमारा इनहेरिटेंस आता है दैट इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। व्हेन अ सब क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लासेस एंड ऑल इट्स बेस क्लासेस इनहेरिट्स वन और मोर सुपर क्लासेस इट इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस का मिक्सअप जो होता है, इनका कॉम्बो जो होता है वो कहलाता है आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। मतलब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये एक बेस क्लास है, ठीक है, ये आपको बेस क्लास दिख रही है, एक बेस क्लास, दो बेस क्लास, इन दोनों बेस क्लास से मिला करके एक सब क्लास बना और इस सब क्लास से दो अलग अलग सब क्लास बने और ये जो नेक्स्ट वाले जो सब क्लास बनते हैं ना इन्हें ही सुपर क्लास कहा जाता है। ठीक है, कभी भी आपको कंफ्यूजन अराइज हो जाए कि ये सुपर क्लास क्या है, तो देखिए इन दोनों बेस क्लास से ये सब क्लास बना और इस बेस क्लास से जो एक्स्ट्रा सब क्लास बने इन्हें हम क्या कहेंगे, सुपर बेस क्लास कहेंगे। तो ये जो है ओवरऑल आपका इनहेरिटेंस का फिफ्थ टाइप दैट इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस था। ठीक है, आई होप कि चीजें आपको सारी क्लियर हुई होंगी। अगर आपको इनमें से किसी में भी कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को वापस से एक बार देख करके और क्वेश्चन मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है, नो इशू। ठीक है, तो यहां पे हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।